Hey guys, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू गेम प्ले वीडियो ऑफ पोकेबॉल लाइक दैट यू नो। सो गाइस, आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया एकदम मजे में होंगे। तो गाइस, आज का जो गेम प्ले है उसे अपन स्टार्ट करते हैं बस एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ में। सो हे गाइस, मैं हूं चायटिक, वेलकम टू चायटिक गेमिंग, जहाँ पे आज अपन फिर से खेलने जा रहे हैं पोकेबॉल लाइक दैट यू नो। तो गाइस यार, यहाँ पे अपना जो इंट्रोडक्शन है वो हो जाता है कंप्लीट, एंड ये जो सिटी है गाइस उसे मैं लगभग पूरा एक्सप्लोर कर चुका हूँ। बट एक चीज रह रही है गाइस उसे एक्सप्लोर करना है, क्योंकि उसे मैं आप लोग के साथ एक्सप्लोर करना चाहता, तो वो उसी लिए वो चीज पेंडिंग है। लेकिन फिलहाल गाइस, आप अगर इस बंदे से बात करते हो तो ये जो बंदा है गाइस वो अपन को ड्रिफ्लोन देगा, एंड गाइस मैं बोलूँ ना तो आप ड्रिफ्लोन को ले लेना, क्योंकि जो ड्रिफ्लोन है गाइस बहुत सही पोकेमोन है, बहुत ज्यादा ओपी पोकेमोन है। लेकिन खैर गाइस, कोई बात नहीं, आज अपने पार्टी में दो तीन नई पोकेमोन है, मतलब कि दो तीन नई एक ही पोकेमोन है जिसका नाम है गाइस लैवेंटियर। आपको याद हो गाइस, इसे आप उन्होंने लेवल 8 पे लिया था, मतलब कि एक बंदे ने आपको दिया था। इसकी जो मूव गाइस वो भी कुछ नॉर्मल टाइप से है, मतलब कि एक नॉर्मल, एक डार्क, एक रॉक है, एंड एक जो मूव है गाइस आपने कुछ काम की नहीं है, बट इसके मूव तो ओपी है, बहुत ज्यादा ही ओपी है। लेकिन गाइस, ये जो सिटी का मौसम है यार, मतलब कि बहुत सही लगता है यार। बारिश के मौसम में ना गेम खेलने का मजे अलग आता है, क्योंकि यार मतलब कि बहुत सही लगता है, बारिश का मौसम ही अलग होता है। एंड गाइस यार, यहाँ पे जो बंदा है वो बंदे से अपन बात करें तो ये जो बंदा है गाइस वो अपने साथ एक पोकेमॉन ट्रेड करना चाहता है हंटर, एंड कर लिया क्या अगेंस्ट पे, बट कर लिया तो मेरे पास अभी फिलहाल तो है नहीं। एंड गाइस, अभी मैं जो गार्डियन टावर है उसके अंदर पे जाने ही वाला था, लेकिन यहाँ पे एक बंदा आ चुका है, तो आई थिंक गाइस ये लेंस है, आई थिंक सो, मुझे पता नहीं है। एंड अगर लेंस रहा ना तो गेम में अलग ही लेवल के मजे आ जाएंगे, एंड इसके साथ तो बैटल करने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो गाइस, लेंस का अगर आप जानते नहीं हो तो मैं लेंस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो गाइस यार, लेंस जो है अपना कांटो एंड जोटो रीजन का चैंपियन है, एंड अभी अभी गाइस आप लोगों ने देखा होगा अपने लियोन की एंड लेंस के मैच, मतलब कि सोलन शील्ड में, जिसका वो रेड कलर का गैडिडोस होता है, एंड अपना लियोन को तो आप सब लोग तो जानते होंगे, तो अपना लेंस तो बहुत ज़्यादा ओपी चैंपियन है गाइस यार, उसके साथ बैटल करने में तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। लेकिन फिलहाल तो गाइस अभी चलते हैं अपन गार्डियन टावर में, क्योंकि जो लेंस है वो बोल रहा था गाइस कि यहाँ पे कुछ टीम के बंदे आए हुए हैं, एंड यहाँ पे कुछ गलती सीन कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं अपने चार्जर को ऊपर कर लेता हूँ, क्योंकि गाइस मुझे पता नहीं यहाँ पे टीम के कितने बंदे होंगे एंड वो क्या क्या करेंगे। बट गाइस, अभी अपन आ चुके गार्डियन टावर के अंदर पे, एंड यहाँ पे एक पोकेबॉल मिल गया जो कि है गाइस ईथर। तो गाइस, ईथर तो अपन को नॉर्मली हर गेम में मिल जाता है एज यूजुअल, मतलब कि मिल ही जाता है, बट उसका यूज़ नहीं करते वो अलग बात है। तो गाइस अभी आगे बढ़ते ही है, एंड मुझे लगा नहीं था गाइस यार कि गार्डियन टावर में कोई पोकेमॉन एनकाउंटर होगा, बट गाइस अभी ना गार्डियन टावर में बहुत से गोस्ट टाइप पोकेमॉन एनकाउंटर होंगे, एंड मुझे लगता नहीं है गाइस कि अभी ना मेरे बैग में मैक्स रिपल होगी। तो गाइस अभी ना मैं फटाफट से जाता हूँ पोके स्टोर में, एंड उसे फटाफट से खरीद के यहीं पर आपको मिलता हूँ। ओके देन गाइस, अभी मैं यहाँ पे मैक्स रिपेल को खरीद के आ चुका हूँ, तो उसका फटाफट से यूज करते हैं। एंड देन गाइस, अभी अपन चलते आगे। तो गाइस आपको दिखा होगा यहाँ पे मुझे एक मूनस्टोन भी मिला है, तो यहाँ पे गाइस एक बंदा है जो कि अपन को मूनस्टोन फ्री में देता है, तो उसे जरूर मिलना, क्योंकि मूनस्टोन का गाइस अभी अपन को यूज पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल गाइस, इस बंदे के साथ बैटल करते करते तो बहुत ज्यादा सीन हुआ, मतलब कि कुछ ज्यादा सीन नहीं हुआ, इसके पोकेमॉन जो थे वो बहुत ही वाहियात थे, बहुत जल्दी फेंट हो गए। एंड गाइस, यहाँ पे अपन को एक प्रीमियर मॉल मिला जो कि वाकई में एक रेयर चीज़ है। बट गाइस, इस ट्रेनर ने मेरी पूरी हालत डाउन करी है, मतलब कि आप खुद ही देख लो यार, मतलब इस बंदे ने मेरे साथ क्या करा। तो गाइस, इस बंदे ने मेरे लार्वेंटियर को फेंट करा, जिसको आज मैं आप सबको बोला था कि आज अपन यूज़ करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, अभी मेरे पास मैक्स रिपल भी नहीं है, तो या बैटल करते इसके साथ मैं, देखते इसके पास कितने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। ऑलराइट गाइस, इस बंदे के साथ बैटल करके मुझे ये पता चला कि ये बंदा नल्ला था, इसने कुछ बिगाड़ नहीं पाया मेरा। एंड यहाँ पे एक पोकेबॉल है साइज, एंड इसके अंदर मुझे TM04 मिला है, तो TM04 आई थिंक क्या होना चाहिए, कुछ साइकिल टाइप मूव होती है शायद से। एंड या गाइस, क्लेम माइंड ऑलरेडी मेरे पास एक थी, तो मुझे याद था कुछ साइकिल मूवी होती है। एंड यहाँ पे कुछ और चीज़ है, या फिर एक जगह पे एक ही पोकेबॉल मिलती है, आई थिंक सो गाइस, एक प्लेस पे एक ही पोकेबॉल मिलती है, बट देखने में क्या जा रहा है गाइस यार। अगर फ्री की चीज़ इज द बेस्ट चीज़, मतलब कि फ्री स्टफ इज द बेस्ट स्टफ यार, मतलब कि फ्री की चीज़ें लेने में ना अलग ही लेवल के मजे आते हैं। तो इस बंदी के साथ भी बैटल करते हैं एंड चलते हैं आगे।
ऑलराइट गाइस, इस बंदी के साथ बैटल करते करते अभी चल रहे अपन आगे, एंड यहाँ पे एक और बंदा है जिसके साथ मैं बिल्कुल बैटल नहीं करना चाहता, बट अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो गाइस इसको अभी मैं एम्बर करता हूँ, एंड बच गई कोई बात नहीं, इस बार भी एम्बर करते हैं एंड फिर से एम्बर। तो गाइस यहाँ पे रोसिला फेंट होती है, एंड अब इसका जो नेक्स्ट पोकेमोन है वो है फेरो। सो एम्बर 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 एम्बर। तो गाइस यहाँ पे मैंने एम्बर तो यूज़ करा है, एंड अपने स्टील विंग भी यूज़ करी थी, जिसके वजह से इसका जो फेरो था वो बहुत इजीली फेंट हो चुका है। एंड गाइस रियली बताऊँ ना तो टीम स्टीम के बंदे स्ट्रांग हो चुका है, पहले से तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। लेकिन फिलहाल गाइस यहाँ पे अपन को टीएम 10 मिला है, एक बार देखना पड़ेगा कौन सा टीएम है। एंड हिडन पावर गाइस, गुड, इट्स अ गुड मूव गाइस, हिडन पावर इज अ गुड मूव। तो फटाफट से गाइस इस बंदे से बैटल करते हैं, देखते हैं ये बंदा कितना स्ट्रांग है। अगर नल्ला निकला तो बहुत सही सीन हो जाएगा, मतलब कि बहुत बढ़िया ही सीन हो जाएगा। ऑलराइट एम्बर। तो गाइस यहाँ पे फिर से एम्बर यूज करने वाला था, बट कोई बात नहीं एम्बर। तो गाइस अभी मैं अपने पोकेमोन को बिल्कुल भी नहीं चेंज करूंगा, एंड फ्लेम थ्रोवर। तो गाइस इस बार मैं फ्लेम थ्रोवर इसलिए करी थी क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा आपने एम्बर ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी फेरो के अगेंस्ट पे। एंड गाइस यहाँ पे ना अभी मैं जो अपना स्क्रैच उसके साथ रिप्लेस कर चुका हूँ अपने स्लैश को, जो कि स्लैश बहुत ओपी वाली मूव है, मतलब कि बहुत सही मूव है। तो गाइस अभी ना फटाफट से ना मैं एक काम करता हूँ, आपको सीधा आगे ही मिलता हूँ, क्योंकि ये जो बैटल है वो बहुत टफ होने वाली है। ऑलराइट गाइस, इस बंदे के साथ बैटल करते करते आप देख लो, क्योंकि यहाँ पे इसने मेरे 4000 की हेल्थ डाउन करी है। जोरू अभी अपना फेंट होने तक तो आ ही चुका है, मतलब कि बहुत ही गलत सीन हुआ है। तो गाइस मैंने आपको बोला भी था कि जो बंदा है आई थिंक सो वो स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि गाइस ना मैंने ये नोटिस करा है कि ना मतलब कि अपन जब एक प्लेस को छोड़ते हैं तो लास्ट में जो बंदा होता है ना गाइस वो स्ट्रांग होता है, हर किसी ट्रेनर से वो बंदा स्ट्रांग होता है। कोई बात नहीं गाइस, अभी चल लेते हैं आगे, देखते क्या सीन है। ऑलराइट गाइस, यहाँ के दो बंदे को लेटा के अभी बारी आती है इस टीम स्ट्रीम के लीडर यानी कि शीला की। फटाफट से इसको फेंट करता हुआ, एंड देखते हैं इसका क्या सीन है, एंड ये यहाँ पे क्यों आई है, एंड इसके पास पोकेमोन कौन से है वो भी मुझे देखने हैं। तो या ड्रिफ्लूम फ्लेम थ्रोअर, आई थिंक गाइस मुझे लगा ड्रिफ्लूम तो इसका बहुत ईजिली फेंट हो गया, एंड इसके पास एक और पोकेमोन होता है ना, शायद से ग्लेमिया। ओ गाइस ये फेंट हो गई, शायद इसके पास एक ही पोकेमोन था ड्रिफ्लूम, एंड आई थिंक गाइस वो फेंट हो चुका है, तो ये भी आराम से डिफीट हो चुके हैं। तो आगे चलते हैं। वो गाइस यहाँ पे लेंस भी है, बट यहाँ पे लेंस कैसे आया, हाँ अपने सामने गया था ना, मुझे याद है, मैं भूल कैसे गया था मुझे पता नहीं। बट गाइस यहाँ पे लुगिया एंड हो की बात चल रही है, जो कि जो सामने ग्रीन वाल वाली लड़की है वो अपन को बोल दिए कि वो दोनों को कैश करना चाहती हैं, एंड अपन अभी बीच में आके उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, इसको भी अपन फेंट कर लेते हैं, इसका नाम है कैथलीन। तो कैथलीन आ जा, अभी तेरे को मैं फेंट करता हूँ, एंड देखते कितना ज़्यादा स्ट्रांग है तू, चल आ जा।
ओके देन गाइस, अपन इस बंदी को हरा दिया है एंड देखते हैं इसका क्या सीन चल रहा है एंड वो अपन से क्या बात कर रही है। ऑलराइट, तो गाइस ये बात कर रही है यहाँ पे हुहो को एंड लुगिया को कैच करने की एंड यहाँ पे गाइस लुगिया की एंट्री होती है। दैट्स ग्रेट, यहाँ पे लुगिया आ गया एंड हुहो का, ओ गाइस यहाँ पे हुहो भी आ गया। ग्रेट ग्रेट, तो गाइस अभी दोनों के अंदर बहुत तगड़ी बैटल चलने वाली है, मतलब कि दोनों बहुत ज़्यादा ही बैटल चल रही है। देखते गाइस इन लोगों की बैटल कहाँ तक जाती है एंड क्या मोड लेती है। यहाँ पे अर्सियस ने आके ये लोग की बैटल को रोक दिया है एंड मुझे लगा था गाइस यार दोनों जो बैटल करेंगे आई थिंक रेक्वेजा कुछ आला चाहिए, बट नहीं यार गाइस लास्ट टाइम की जैसे अर्सियस आता है एंड फटाफट से गाइस ये जो प्लेस है उसे मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ, देखते यहाँ पे क्या सीन है। एंड ये जो बोल रहे गाइस उसे इग्नोर कर दो, मतलब कि यही बोल रहे होंगे कि तूने मेरा प्लान फेल किया वगैरह वगैरह। तो लेन से भी बात करते हैं एंड फटाफट ये जो सिटी है मतलब कि ये जो गार्डियन टावर उसको अपन एक्सप्लोर करते हैं, देखते यहाँ पे और कुछ मिलता है कि अपन को कोई रेयर चीज़। एंड नो यार, मतलब कि लेंस ने तो अपन को सीधा पोकेमॉन सेंटर में लेके भेज दिया। कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पे अपने पोकेमॉन को एक बार मैं हील कर लेता हूँ। एंड गाइस उहो एंड जो लुगिया है उनकी बैटल बहुत सही थी, मतलब कि गाइस आरसीएस जब एंट्री मारता है ना तो वो लोग जब भागते हैं ना वो बहुत सही यार, मतलब कि आरसीएस जो 2 ओपी पोकेमॉन। तो गाइस यहाँ पे बरसात तो बहुत सही हो रही है एंड मुझे यहाँ पे गेम को रोकने का मन तो नहीं करना, बट गाइस क्या करें, गेम को अपन को यहीं पे आज एंड करते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फटाफट से लाइक मारो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।